गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर पॉलीनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.5 जो थी उसके अंदर लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पर क्यूब लिखा हुआ है, 31 के ऊपर क्यूब है, -16 क्यूब है, -15 और क्यूब है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप 31 का क्यूब फाइंड करो, 16 का क्यूब फाइंड करो, 15 का क्यूब फाइंड करो, और उसके बाद क्यूब फाइंड करने के बाद क्या करना है आपको, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है वो करना है। लेकिन यहां पर ऐसा क्यूब नहीं करना है, क्यूब फाइंड किए बिना ही आपको उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक फॉर्मूला कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ए बी और सी का टोटल अगर जीरो होता है, या मैं ऐसे लिखता हूं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ए बी और सी का टोटल जीरो होता है, उसका सम जीरो होता है, तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब जब आपको फाइंड करना है तो कुछ भी नहीं करेगा, 3 लिखना है और ए बी सी उसका आंसर। जब ए बी और सी का टोटल जीरो होता है तब ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब जो होता है उसका आंसर 3ABC होता है। लेकिन ए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, उनका टोटल जीरो होना चाहिए। तो यहां पर हम ऐसे करते हैं उसको, यहां लिखा है 31 क्यूब -16 क्यूब लिखा है, -15 क्यूब लिखा है, इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, इसको सी समझेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, यहां पर प्लस होनी चाहिए पहले। तो एक काम कर देते हैं, ये 31 क्यूब को एज इट इज रखते हैं और माइनस की साइन को अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगी क्योंकि क्यूब है, तो माइनस की साइन को अंदर ले सकते हैं। तो -16 यहाँ पर क्यूब, क्योंकि -1 है, ये माइनस माइनस की साइन है, इसका मतलब हुआ -1, और -1 का क्यूब क्या मिलेगा, ये माइनस की साइन बाहर निकालोगे तो वही मिलेगा। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमें प्लस लाना है, इसलिए माइनस की साइन को अंदर भेज दिया, प्लस यहाँ पर -15 क्यूब। अब आप चेक कर लो, इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, इसको सी समझ लो, ए बी सी, अगर इनका टोटल यहां पर लिखेंगे 31, इसको बी समझ लो -16, इसको सी समझ लो -15, तो क्या हुआ, 31 -30 इक्वल टू जीरो हो गया। अगर इसका टोटल ए बी और सी का टोटल जीरो हो गया, तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का आंसर, ये ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का आंसर क्या होगा, 3ABC होगा। यहां हम लिखेंगे 31 क्यूब प्लस -16 क्यूब प्लस -15 क्यूब, इसका आंसर होगा 3 लिखेंगे और 3 ब्रैकेट खाली रखेंगे यहां पर। तो यहां कितना होगा, 31 -16 एंड -15। फिर आपको इन दोनों की, इन तीन की प्रोडक्ट करनी है, इन तीन की प्रोडक्ट करोगे तो आपका मिलेगा आंसर, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर कितना होता है 16 इंटू 15 कर दो यहां पर, तो 16 इंटू 15 160 80, जीरो यहां पे 240 आ जाएगा, यहां पे 39 होगा, 39 इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 39, इसका होगा 240। अब 39 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 39 इंटू 24 जीरो, यहाँ पे 18 1 7, यहाँ 36 कैरी 3 और यहाँ पे 12 12 प्लस 3 15, 6 यहाँ पे 3 और कितना आएगा 9, तो 936 उसका आंसर आया। दूसरा तरीका क्या है, इसका क्यूब निकाल के भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्यूब निकालने का ना बोला है, तो आपको कंडीशन याद रखनी है, अगर 3 का टोटल जीरो होता है तो उसका सीधा आंसर बनेगा 3ABC, लिख दीजिए।
यहां देखिए ये खत्म हो गया। अब इसमें 1427 एंड -41, यहां पर भी देखिए 14 क्यों है प्लस 27 क्यों है, प्लस माइनस की साइन को अंदर ला। अब आप टोटल चेक करिए, 14 प्लस 27 माइनस 41 तो कितना हो गया, यहां पर 41 माइनस 41 हो गया 0। तो फिर उसका सीधा आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 3ABC, 3 और 3 ब्रैकेट खाली। तो 14 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस माइनस 41 क्यूब इज इक्वल टू 3 और 3 ब्रैकेट खाली। यहां पे 14, यहां 27, माइनस 41, तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे आप तो इसका आंसर मिल जाएगा। एक्सिस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, यहां पे 43 हो गया और यहां माइनस 27 इंटू 41 या 0, 2 और 8, 7 और 28, 7, 0, यहां पे 11, तो कितना हो गया 11, 0 एंड 7। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, 1107 इंटू 43, तो 0 यहां पे 28, 4, 4, यह होगा कितना 21, 3 एंड 3, तो 10674, तो इतना आएगा माइनस 47601, ये होगा इसका आंसर। अब ये वाला थर्ड वाला, थर्ड वाले के अंदर देखिए उसमें भी वही पहले लिख दीजिए, यहां पर 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब, माइनस की साइन को अंदर ले लो तो -5/6 क्यूब। इसको ए समझ लो, बी समझ लो और सी समझ लो। ए और बी और सी का टोटल कितना होता है, 1/2 प्लस 1/3 -5/6, तो सबके नीचे हमें एलसीएम लाना है 6, तो 6 लाना है तो यहां पर कितना होगा 3 के साथ, तो ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/6, या 2 के साथ तो ऊपर भी 2 के साथ 2/6 -5/6, तो ऊपर वाला टोटल कितना हो गया 0/6 इक्वल टू हो गया 0। अगर उसका टोटल 0 आ गया तो इसका आंसर क्या बनता है, 3ABC, 1/3, 1/2, 1/3 क्यूब प्लस -5/6 क्यूब इज इक्वल टू 3ABC, मतलब 3 ब्रैकेट खाली। इसमें लिखेंगे 1/2 या 1/3 -5/6, ये 3 और 3 तो कट हो गए तो कितना हो गया -5/12, ये रहा उसका आंसर। वैसे ही यहां पर आप ऐसे इसको काउंट कर सकते हैं, 0.2 क्यूब प्लस 0.3 क्यूब प्लस 0.1 क्यूब। अब यहां आप इसका टोटल कर दो, 0.2 माइनस 0.3 प्लस 0.1, तो क्या हो गया 0.2 प्लस 0.1 0.3, 0.3 माइनस 0.3 0 हो गया, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, सीधा 3ABC आएगा, 0.2 क्यूब प्लस 0.3 क्यूब प्लस 0.1 क्यूब इज इक्वल टू 3ABC, मतलब 3 ब्रैकेट खाली। इसमें क्या लिखेंगे, 0.2 इसमें -0.3 और 0.1, तो यहां कितना होगा 3, पहले तो -3 हो जाएगा और 3 2 जा 6, 6 3 जा 9, और पॉइंट कितने, यहां पे 10 का पॉइंट है, यहां पे 10 का पॉइंट है, यहां पे 10 का पॉइंट है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 0 पॉइंट यहां पे 6, 6 3 जा 18 होगा और पॉइंट कटेगा कितना 1000 का, तो 0.018 -0.018 ये रहा आपका आंसर, लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ ए स्क्वायर। Whose area is 9x square plus 30x plus 25 square unit. X greater than 0. Question number 19. Give possible expressions. Expressions for the length and breadth. Breadth of a rectangle whose area is 20x square plus 22x plus 6 square unit, x greater than 0. थर्ड वाला भी लिख देते हैं, उसके साथ में उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन। Expression for the dimension dimensions of a cuboid whose volume is 2x cube plus 15x square plus 33x plus 20 cube unit, x is a positive number. तो यहां पर देखिए, give possible expression for the length of a square whose area is 9x square plus 30x plus 25. यहां पर एक स्क्वायर के स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, ये है स्क्वायर। सपोज स्क्वायर का एरिया 400 दिया हुआ है, 400 यूनिट्स यहां पे स्क्वायर दिया हुआ है,
स्क्वायर यूनिट, और आपको ये स्क्वायर है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि लेंथ कौन सी होगी। इसको भी हम लेंथ बोलेंगे, इसको भी लेंथ बोलेंगे, ये भी लेंथ बनेगी, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड का वैल्यू इक्वल होगा। तो एरिया बनता है कैसे आपको पता है, तो एरिया तो कितना दिया हुआ है 400। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एल स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको 20 स्क्वायर लिख सकते हैं, 40 की जगह पे 20 स्क्वायर। तो यहां पर एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों ही साइड से स्क्वायर चले जाएंगे, तो एल इक्वल टू कितना आएगा 20। या तो फिर ऐसा नहीं करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है एल स्क्वायर, इसका एरिया 400 दिया हुआ है, एल को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो यहां पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है वैसे, प्लस और माइनस 20 होता है। स्क्वायर रूट 400 का प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहां पर भी देखिए यही दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर है उसका एरिया दिया हुआ है कितना, 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 दिया हुआ है, और आपको लेंथ फाइंड करनी है कि ये लेंथ कितनी होगी। तो वही मेथड करेंगे, तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है इतना 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 कितना दिया हुआ है। एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस आएगा कितना 25। अब यहां पे ये तो पता है, ये पॉलिनोमियल देख लो आप कौन सी है, परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल है। परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या थी, मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, फर्स्ट वाले का रूट क्या निकल रहा है 3x, लास्ट टर्म का रूट क्या निकल रहा है 5, इनकी प्रोडक्ट क्या होती है 15, 15 का ट्वाइस क्या होता है 20, 30, 30x बीच में दिया हुआ है, तो 100% ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल हो गई। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल हो गई तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, सीधा उसका आंसर होगा इसका रूट 3x, साइन बीच वाले लेंगे और 5 और इसके ऊपर स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर चले गए तो फिर l इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 5 आएगा। वैसे इसके लिए भी दो आंसर बनते हैं प्लस और माइनस, लेकिन नेगेटिव तो आता नहीं क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव तो ये एडिशन पॉजिटिव हुआ। अगर आप ऐसे माइनस रख दोगे तो फिर क्या होगा, आंसर माइनस में चला जाएगा, लेंथ कभी माइनस नहीं होती, इसीलिए लेंथ कितनी होगी यूनिट होगी, इतने यूनिट 3x प्लस 5 यूनिट होगी। लिख दीजिए, ये रहा आपका आंसर। यहां पर गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ए रेक्टेंगल, इस बार रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसको लेंथ समझेंगे तो इसको ब्रेथ, इस रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया इतना दिया हुआ है 20x2 प्लस 22x प्लस 6 इतना दिया हुआ है, ये एरिया है स्क्वायर यूनिट, और आपको फाइंड करने का है लेंथ और ब्रेथ कौन सी हो सकती है। तो देखिए अब एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया तो पहले दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20x2 प्लस 22x प्लस यहां कितना होगा 6। अब देखिए यहां पर एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी, तो यहां पे हमें उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 20x2 प्लस 22x प्लस 6 है, तो l इंटू बी इज इक्वल टू, दो तरीके हैं आपके पास, 2 कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं और 2 कॉमन नहीं निकालना है तो भी चलेगा, आपको जो मेथड करनी है, मैंने आपको शॉर्ट मेथड एक्सप्लेन की थी वो भी चलेगी, और बड़ी मेथड करोगे तो भी चलेगी। तो 26 कितना होगा, 26 120, 120 के पार्ट बनाइए जिससे प्रोडक्ट 120 हो जाए, और एडिशन कितना हो जाए
22, तो इसके लिए कौन से पार्ट आप काम में लोगे? तो इसके लिए आप 12 एंजा का कितना होता है? 12 एंजा होता है 120 और दोनों का एडिशन कितना होगा? 22। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 20x2। दो पार्ट आपको कौन से मिले? 12 और 10। तो यहां लिख दो 10x और यहां लिख दो 12x, तो इससे आएगा 6। इसके लिए जो सॉर्ट मेथड एक्सप्लेन की थी वो भी कर सकते हैं। यहां से कॉमन क्या निकलेगा देखिए, यहां से 10x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? x प्लस 5, x प्लस 2x प्लस 1, यहां भी कॉमन निकलेगा 2x प्लस 1, यहां से 6 कॉमन निकलेगा तो 2x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहां पर? l इंटू बी इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और 10x प्लस 6। देखिए तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया, तो l का वैल्यू कितना हो सकता है? ऐसा नहीं कि उसको यहां ही कंपेयर कर सकते हैं, उसको यहां पर भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हम l इंटू बी नहीं लिखेंगे, लेकिन जो डायमेंशन थे ऐसे लिख सकते हैं। पॉसिबल वैल्यू कौन से हो सकते हैं? 2x प्लस 1 हो सकते हैं एंड 10x प्लस 6। ऐसे नहीं लिखना है तो यहां से आप 2 कॉमन निकाल के उसको भी दे सकते हैं, यहां से 2 कॉमन निकाल के ये 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी चलेगा। तो ये उसके पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ये लेंथ होगी तो ये ब्रेथ होगी, या तो फिर ये ब्रेथ होगी तो ये लेंथ होगी। लिख लीजिए, यहां पर भी वही है, यहां इस पर क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया क्यूबॉइड। और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? इतना 2x³ प्लस 15x² प्लस 33x प्लस 20, ये उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है पहले यहां लिख देते हैं, 2x³ प्लस 15x² प्लस 33x प्लस 20। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट LBH, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यही चैप्टर के अंदर। तो इसके लिए क्या करते हैं? कोएफिशिएंट का आप टोटल करते हैं, कोएफिशिएंट का टोटल। यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसीलिए जीरो तो होगा नहीं, तो इवन और ऑड चेक कर लो। इवन पावर जो होती है उसका कोएफिशिएंट और ऑड पावर का कोएफिशिएंट, तो ये ऑड नंबर है उसके सामने ये 2 है, कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये इवन नंबर है उसके सामने 15 है, वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये ऑड नंबर है और ये 33, और कॉन्स्टेंट टर्म को तो ऑलवेज इवन में ही आपको रखना है, तो कितना होगा यहाँ पर? 35 और 35। तो इसका वन फैक्टर कौन सा होगा? एक्स प्लस 1। अगर इसका फैक्टर एक्स प्लस 1 होता है तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके लिए भी 3 मेथड आपको एक्सप्लेन की थी, एक थी फैक्टर थियरम, दूसरी थी सिंथेटिक डिवीजन, तीसरी थी सिंपल डिवीजन। तो यहाँ पर फैक्टर थियरम में कर देता हूँ, देखो प्लस है इसीलिए साइन चेंज नहीं होगी, वो आपको याद रखना है। 2x³, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना है, या 2 तो 2, x तो x, लेकिन पावर कैसे लिखनी है? डिसेंडिंग। अब यहाँ पर आपको 15x² लाना है ऊपर, तो आप क्या करोगे? 15x² लाने के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे 13x², चलो देख लो 15x² के दो पार्ट बन गए। इसका सिंप्लीफिकेशन ऊपर जितना होना चाहिए तो हो गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 13 तो 13, x तो x, लेकिन पावर कैसी? डिसेंडिंग। अब आपको ऊपर देखना है, आपको लाना है 33x, तो 33x लाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 20x। देख लो इन दोनों का एडिशन ऊपर जितना हो जाता है तब आगे जाएंगे, प्लस तो प्लस, 20 तो 20, लास्ट वाला नंबर मिल गया LBH। फिर उसको फैक्टराइज करेंगे,
यहाँ कितना आएगा 2x2, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 1, प्लस यहाँ पे 13x, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 1, प्लस यहाँ पे 20, तो x प्लस 1, x प्लस 1 को भी कॉमन निकाल दो, तो x प्लस 1 कॉमन निकलेगा, तो 2x2 प्लस 13x प्लस कितना आएगा 20, तो एल बी एच इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 है डायमेंशन, यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3 टर्म होने चाहिए, तो अब ये फैक्टराइज होगा, तो x प्लस 1, 22 जा 40, 40 के ऐसे पार्ट बनाइए जिससे प्रोडक्ट 40 हो जाए और एडिशन 13 हो जाए, तो 8 5 जा किसका में आएगा, इनकी प्रोडक्ट 40 होती है, एडिशन 30 होता है, दोनों के आगे साइन आएगी प्लस की, आगे 2x यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिए, और यहाँ 4 से कट हो गया, तो कितना हो गया x प्लस 4, और यहाँ पे 2x प्लस 5। अब देखिए इसमें से सीधे मान नहीं लेने का कि l यही होगा, b यही होगा, h यही होगा, ये l हो सकता है तो ये दोनों b और h होंगे, ये h हो सकता है तो ये b और l हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये l भी हो सकता है, b भी हो सकता है, h भी हो सकता है, या तो फिर ये l b h हो सकता है, या तो फिर b जो बीच वाला है वो लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, तो ये हाइट होगी, तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें ऐसे नहीं लिखना कि l इज इक्वल टू x प्लस 1 नहीं लिखना, सिर्फ लिख देना है आंसर आपको कि x प्लस 1, x प्लस 4 एंड 2x प्लस 5 यूनिट, ये जो है वो डायमेंशन है, ये लेंथ ब्रेथ या हाइट कोई भी हो सकती है, लिख दीजिए।